नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजित कुमार। राजधानी दिल्ली में हथियार तस्करी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने दो अवैध हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी बरामदगी भी की है। आपको बता दें कि पुलिस का ये कार्य काबिले तारीफ है। दिल्ली में अवैध रूप से हो रही हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ ने गुप्त सूचना पर विजय विहार से दो हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। बदमाश इलाके में किसी से मिलने आए थे और उसी दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल रोहिणी जिले के DCP डॉक्टर गुरिकवाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने के मकसद से स्पेशल स्टाफ की टीम को विशेष जिम्मा सौंपा गया था। टीम को ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। स्पेशल स्टाफ की टीम लगातार अपने लोकल इनपुट की सहायता से अपराधियों के खिलाफ सूचना विकसित करने में लगी हुई थी। इसी दौरान बीते 7 मई को स्पेशल स्टाफ की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि करीब 4:30 बजे दिल्ली के विजय विहार इलाके में अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले कुछ युवक किसी से मिलने आने वाले हैं। जिले के DCP डॉक्टर गुरिकवाल सिंह सिद्धू ने बताया कि सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर राम किशोर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने इलाके में जाल बिछाया और विजय विहार में घेराबंदी कर दो हथियार सप्लायरों को धर दबोचा। आरोपियों की पहचान किराड़ी सुलेमान नगर निवासी अरमान खान और सुल्तानपुर निवासी शाहिल अलियाज अजय के रूप में हुई है। तलाशी लेने के बाद इनके कब्जे से 4 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने दो आर्म्स सप्लायर को अरेस्ट किया है, जो कि रोहिणी और आसपास के जिलों में आर्म्स की सप्लाई का काम करते थे। इनसे टोटल 5 वेपन हमें बरामद हुए हैं, जिसमें 4 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा है और 12 राउंड्स हैं। ये दो शख्स जो थे, इसमें जो मोहम्मद साहिल खान है, इसकी प्रीवियस भी 5 केसेस में इन्वॉल्वमेंट आई है, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिले के DCP डॉक्टर गुरिकवाल सिंह सिद्धू ने बताया कि पुलिस ने संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में जांच की गई और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लगातार पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि वे अपराधियों की मांग पर हथियारों की सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस अब इन आरोपियों से हथियारों के स्रोत का पता लगाने में जुट गई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।